लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे दरभंगा जिला के डिलाही में। आपको बता दें कि यहां पर तारालाही स्थित जो स्कूल है वहां पर पहुंचने के बाद देख सकते हैं वो इन कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर आने के बाद जबरदस्त जोश के साथ यहां पर कार्यकर्ता जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। खुद देख सकते हैं चिराग पासवान यहां पर मंच पर स्थित उनके पूज्य जो पिताजी हैं रामविलास पासवान के तस्वीर पर वो फूल अर्पण करते हैं। उसके बाद लगातार वो देख सकते हैं अभिवादन कर रहे हैं जो उनके कैंडिडेट हैं यहाँ पर देवेंद्र झा, उनके लिए वो प्रचार करने आए हुए हैं। देख सकते हैं बड़े भारी जोश में कार्यकर्ता सभी जो लगभग आपको बता दें इस स्कूल के प्रांगण में हजारों की संख्या में जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं सुनने के लिए उन्हें बहुत भारी संख्या है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अब यहाँ पर चिराग पासवान ने क्या कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं देवेंद्र झा यहाँ पर बहुत ये देख सकते हैं पाद और चादर के साथ स्वागत कर रहे हैं। उनके पुत्र जो है वो भी यहाँ पर है देवेंद्र झा के। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सभी मौजूद हैं। अब उज्ज्वल जो है यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, उज्ज्वल झा तेजस्वी जो चिराग पासवान है उनका देख सकते हैं बड़ा सा माला यहाँ पर चिराग पासवान के लिए। बड़ी संख्या में पासवान हो या जो जो अलग जाति वर्ग के हैं लोग यहाँ पर भरे हुए हैं। तो रोजगार मांगेगा कहाँ से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? मुख्यमंत्री की बिहार में कारखाना नहीं खोल सकता, जानते हैं ना क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि बिहार में समुद्र का किनारा है, समुद्र का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। पर अगर वहां पर बिहार जाकर काम कर सकता तो जवाब दो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बिहार में कारखाना क्यों नहीं खोल सकते? प्रधानमंत्री आ गए तो क्या बोलते हैं नीतीश कुमार जी हमारे प्रधानमंत्री को? बोलते कि सर हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली, कभी बनी कि नहीं बनी? नीतीश कुमार जी तो बोले प्रधानमंत्री से की बन गए, कम से कम हर गांव में नलका जल तो आ गया ना, बन गया जल्दी प्रधानमंत्री जी से जोड़ बोल गए। अच्छा चलिए कम से कम सात निश्चय में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना, कैसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का क्या करना चाहिए? कौन कौन चाहता है नीतीश कुमार जी ने शराब पानी मांगी